गाइस क्या आपने कभी सोचा है वेडिंग रिंग जो होती है वो रिंग फिंगर में यानी कि आपके लेफ्ट हैंड की फोर्थ फिंगर में क्यों डलती है? जैसे कि दोस्तों आपको पता है शादी दो दिनों का बंधन होता है, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये हमारी इकलौती फिंगर होती है जिसकी वेन यानी कि जो नस है वो सीधा हार्ट से कनेक्ट होती है, दिल से जुड़ी होती है। सो इसी वजह से अमेरिका में एंगेजमेंट रिंग या फिर वेडिंग रिंग जो है वो आपकी इस फिंगर में लेफ्ट हैंड की फोर्थ फिंगर में डालने का परंपरा चली, इसी वजह से इसे रिंग फिंगर भी कहते हैं। गाइस अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, कभी कभी जिंदगी में ऐसे कदम ले लेते हैं जो हम पर भारी पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं इन शख्स की। इन्होंने 2020 की शुरुआत में एक बहुत ही बूढ़ी लेकिन बहुत ही अमीर आंटी से शादी कर ली क्योंकि इनका सपना था पूरी दुनिया में घूमना, लेकिन उस टाइम पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया और इन भाई साहब का सपना धरा का धरा रह गया। तो प्लीज अगर आप जिंदगी में कुछ करते भी हैं तो जरा सोच समझ के कीजिएगा। गाइस कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो दो बार तो हमें बिल्कुल फ्री मिल जाती है लेकिन तीसरी बार हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। गाइस पुलिस चोर के बिना और चोर पुलिस के बिना अधूरे हैं। ज्यादातर चोर तो पकड़े जाते हैं लेकिन इस चोर ने कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लिया। 2007 में मलेशिया में लगभग 2 करोड़ की कार चोरी हुई। कार पुलिस ने जब्त भी कर ली लेकिन फिर भी उसे चोर ले गया। अब आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? हुआ यूं कि जब चोर ने गाड़ी चोरी करी उसमें पेट्रोल बहुत कम था, चोर ने गाड़ी वहीं रोकी लेकिन यहाँ पर उसने दिमाग लगाया, वो चाबी अपने साथ ले गया। पुलिस ने वो कार जब्त भी कर ली। रात को वही चोर चाबी और पेट्रोल लेके आया और पुलिस स्टेशन से कार लेकर फरार हो गया। तो दोस्तों ये चोर कुछ ज़्यादा ही दिमाग वाला था जिसके ऊपर चोरी का कुछ ज़्यादा ही जुनून चढ़ा हुआ था। गाइस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन कभी कभी कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लेते हैं। अभी बात करते हैं इस लड़की की जिसने गांव में घर लेने के लिए अपने बॉयफ्रेंड से डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हेल्प ली। इस लड़की ने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 20 बॉयफ्रेंड्स बनाए। उस टाइम पे आईफोन 7 प्लस जो कि सबसे नया मॉडल था आईफोन का, इस लड़की ने उन सबसे एक एक आईफोन लिया और चाइना की एक शॉपिंग साइट पे उन सब आईफोन्स को बेच दिया और इतने पैसे जनरेट कर लिए जिन पैसों से इन मोहतरमा ने अपने घर की जो पहला डिपॉजिट था वो करवा दिया। तो दोस्तों ऐसे लगाया इस लड़की ने दिमाग, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ऐसा आप मत करना। फैक्ट अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा पे फॉलो करना मत।